नमस्कार, मैं स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। रीवा के संजय गांधी अस्पताल के गायनी वार्ड में एक महिला का ऑपरेशन करने के बाद उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने आरोप लगाया कि गर्भ के अंदर बच्चे की मौत होने की बात कहकर ऑपरेशन किया गया, लेकिन बच्चा जीवित निकला और माँ की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि लौर थाना क्षेत्र के खैरा निवासी सविता गुप्ता को सीने में दर्द होने के कारण अस्पताल लाया गया था। महिला 9 माह की गर्भवती थी। इस दौरान चिकित्सकों ने बच्चे की गर्भ में ही मौत होने की बात कहकर उसका ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन होने के बाद बच्चा जीवित निकला और मां की हालत बिगड़ गई, जिसे तकरीबन 2 बजे रात चिकित्सक खुद लेकर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पहुंचे, जहाँ उसकी मौत हो गई। इधर इस पूरी घटना को लेकर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के अधीक्षक ने बताया कि यहाँ महिला को डायलिसिस के लिए लाया गया था। महिला वेंटिलेटर में थी और परिजनों ने उसकी छुट्टी अपनी मर्जी से कराई थी। इसके बाद उसकी मौत हो गई है। हालांकि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के अधीक्षक के द्वारा यह नहीं बताया गया कि महिला की मौत कैसे हुई है और गायनी वार्ड में महिला के साथ क्या हुआ था। इधर परिजनों का कहना है कि उन्होंने कोई छुट्टी नहीं कराई थी। कई कागजों पर उनके दस्तखत कराए गए थे, जिसमें चिकित्सकों ने अपने आप मरीज के छुट्टी के संबंध में लिख लिया है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में हो रहे हंगामे को देखते हुए भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा था। गौरतलब है कि संजय गांधी अस्पताल को लेकर यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी संजय गांधी अस्पताल पर ऐसे कई आरोप लग चुके हैं। फिलहाल यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि महिला की मृत्यु किन कारणों से हुई है। अब देखना होगा कि पूरे मामले पर क्या कार्यवाही की जाती है। लाला गुप्ता, ये जो पता नहीं कौन है, मेरी बहन। यहाँ कब लाए थे, क्या घटना? 8 तारीख को। क्या घटना हो गई है? सीने में दर्द उठा था। प्रेग्नेंट थी आपकी बहन? जी। 9 महीने चल रहा है। जी। क्या बोले डॉक्टर लोग? डॉक्टर लोग बोले बच्चा खत्म हो गया है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर इसके बाद ऑपरेशन किए तो बच्चा जीवित निकला, बच्चा दे दिए। जब बच्चा को लेने गए तो हाथ पैर डुलाने लगा, ICU वार्ड में ले गए, भर्ती करवा दिए। फिर वहाँ से माँ को निकाला गया, तो बेहोशी है, आज तक बेहोश है, होश नहीं आया। अभी तक होश नहीं आया। अच्छा, अब पता नहीं, मैं वहाँ से चला तो बोले नहीं अभी इसी वक्त हमको रवाना करना है, यहाँ से चलिए। वहाँ पे हमको इसका किडनी का वो करवाना है, सर्जरी, वो डायलिसिस कि हमको राती रात वहाँ शिफ्ट करना है। मैंने वहाँ पे पंप लाया, सब कुछ वो करवाए हमको वहाँ से पकड़। रात को हम सो रहे थे तो वहाँ से उठाए और बोले कि नहीं अभी इसी वक्त रातों रात दरवाजा खोले अंदर से और हमको पहुँचाए इस रूम में। यहाँ आए, यहाँ मैडम हमको साथ में वहाँ से आई और शिफ्ट करवाई और वो लगवाई, मशीन वगैरह सब लगवाई, पंपिंग का मशीन वगैरह सब लगवाई, फिर चालू करवाई। फिर यहाँ पे एडमिट नहीं ले रहे थे, बोले कि नहीं आयुष्मान कार्ड अभी नहीं लेगा, हमको इतना पैसा चाहिए, 200 रुपये यहाँ का वो चाहिए, 1700 रुपये पाइपिंग फीस चाहिए, 48,000 रुपये इनका हमको सफाई करना किडनी का पैसा चाहिए। पैसा हमने जमा नहीं दिया। फिर इसके बाद हमने जांच करा, बोले कि जाओ मैडम से बात करवाए थे, बोले कि विंध्या चल जाइए। वहाँ से हमको 1200 रुपये का जांच मिला। 2 बार मैं पैदल यहाँ से गया, एक बार गया तो उनका खून, बोले कि ये नहीं चलेगा, दूसरा लेके आओ। वहाँ को गार्ड को मैंने 200 रुपये दे के उनको बोला बाइक दीजिए, मैं जा रहा हूँ उनका खून लेने चेकअप के लिए। तो वो बोले कि ठीक है चलिए। वो वहाँ से खून ले के फिर हम आए, फिर वहाँ से हम जाँच लेके आए 1200 रुपये की। फिर यहाँ वो किए, दिखाए तो बोले पर्ची कटवाओ। हमने बोला मैडम पर्ची दे दिया हूँ। महिला खत्म हो चुकी है, तो मतलब महिला को जीवित अवस्था में बोले हैं आपको? यहाँ पे कोई जीवित नहीं है और बोलते हैं कि ले जाइए आप घर ले जाइए, हम यहाँ से डेथ सर्टिफिकेट नहीं देंगे और ऐसे हम ऑक्सीजन लगा के देंगे। अभी नीचे तक लेके आए थे डॉक्टर? हाँ, डॉक्टर लोग खुद लेके आए, बोले कि ऑक्सीजन लगा के ले जाएंगे और यहाँ लेके आए। अभी महिला खत्म हो गई बहन। आपको जीवित दिए थे कि मौत मर चुकी थी? डॉक्टर बोले जीवित नहीं, बोले जो होना था कल ही हो गया। वहाँ के डॉक्टर बोले जब कल हो गया, जो आपकी बहन का ये डिलीवरी हो गई थी, ये
तीसरी डिलीवरी थी क्या? दो डिलीवरी नॉर्मल हुई, दोनों डिलीवरी नॉर्मल हुई है। तीसरे में ये दोनों के बच्चा खत्म हो गया, पेट में खत्म हो गया, मर गए। बच्चा भी कैसा? जीवित है, बच्चा स्वस्थ है, अच्छा है, माँ खत्म हो गई। ये केस हमारे संज्ञान में आया है, इसमें जो मैंने पता किया है, ड्यूटी डॉक्टर से भी बात हुई है, उनका कहना है कि ये मरीज रात को आया था, एडमिट हुआ था और पेशेंट वेंटिलेटर पर था और पूरा प्रॉपर इलाज चल रहा था, परंतु आज दोपहर के करीब इनके मरीजों के अटेंडेंट ने कहा कि चूँकि मरीज की हालत बहुत गंभीर है, मरीज को बचने की उम्मीद कम है, तो हम इसको घर ले जाना चाहते हैं। इसके लिए जो हमारे ड्यूटी डॉक्टर थे, उन्होंने प्रॉपर उनसे एक पत्र लिखवाया, तो उसमें उन्होंने लिख के दिया कि हम इसमें मरीज से ले जा रहे हैं, उन्हें गंभीर स्थिति बता दी गई है, परंतु फिर भी हम घर ले जाना चाहते हैं। तो यहाँ से लामा, जिसको हम बोलते हैं लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, उन्होंने यहाँ से लेके गए, प्रॉपर साइन किया गया है, इस पर उमा शंकर गुप्ता उनके इस पर साइन है, उनका मोबाइल नंबर है और उनके राइटिंग में लिखा हुआ है। इसके बाद ये यहाँ से डिस्चार्ज करा के ले गए, परंतु कुछ समय बाद ये पुनः उसको वापस लाए और जब तक उनकी डेथ बाहर ही हो चुकी थी, और जब तो यहाँ लाए तो उन्होंने दबाव बनाया ड्यूटी डॉक्टर के ऊपर कि ये डेथ सर्टिफिकेट यहीं से इशू किया जाए, जबकि नियमानुसार जब किसी मरीज की डेथ बाहर होती है तो उस केस में जो भी CMO है वहाँ पे इसका प्रॉपर प्रक्रिया होती है, जिसके तहत ही डेथ सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये इसकी जानकारी मुझे नहीं है, बल्कि तो ये मोस्ट प्रोबेबली पोस्टमार्टम केस है, शायद डिलीवरी हुआ है, डिलीवरी के बाद कंडीशन बिगड़ी और किडनी फेलियर हुआ, जिसकी वजह से किडनी डायलिसिस और किडनी के इलाज के लिए यहाँ शिफ्ट किया गया था, क्योंकि तो इसकी डिटेल अभी मेरे पास नहीं है, जो अभी मेरे पास जानकारी उसके हिसाब से मैं आपको सूचना दे रहा हूँ। बच्चे को मारा बता के आपको इस संबंध में मैं कुछ भी कहने से संभव नहीं है, क्योंकि ये यहाँ का केस नहीं है, संजय गांधी का केस है, वहाँ के डॉक्टर्स ही इसको अच्छे से बता पाएंगे।